प्रशासन ने जम्मू शहर में ई रिक्शा के रूट किए निर्धारित। जम्मू प्रशासन ने शहर में चलने वाले ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित किए हैं, लेकिन निर्धारित किए गए रूट में ई रिक्शा चालक और ई रिक्शा यूनियन खासी नाराजगी दिखा रहे हैं। जहां एक तरफ प्रशासन ने ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित कर आम लोगों को सुविधा देने की कोशिश की है, तो वहीं ई रिक्शा चालक इसे घाटा मान रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने की मांग की। अपनी ट्रेड यूनियन से जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष एजाज कासमी ने दशकों से विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे सभी दिहाड़ीदारों मजदूरों को नियमित करने की मांग की है। ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का आज भी जम्मू में कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मुलाजिमों का कहना है कि वे पिछले 202 दिनों से वे लगातार अपनी ट्रांसफर पॉलिसी की मांग को लेकर धरने पर है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सोपोर में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने नई पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि वह दिलजान से अपने काम करती है, लेकिन उन्हें टारगेट किया जाता है। वर्कर्स ने अपील की है कि उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और नई पॉलिसी को वापस लिया जाए। आजाद ने जम्मू संभाग में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के पदाधिकारी किए मनोनीत, मिली जिम्मेदारियां। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू संभाग में नए पद अधिकारियों को किया नॉमिनेट। अशोक शर्मा, नरेश गुप्ता, गुलाम हैदर मलिक, सुभाष गुप्ता, डॉक्टर अमरचंद भगत को उपाध्यक्ष बनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में तैनात शिक्षकों के लिए बनेंगे क्वार्टर, सेवाएं देना होगा आसान। दूरदराज क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के लिए अब सेवाएं देनी और आसान होगी। इन क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के लिए स्कूल के आसपास ही क्वार्टर बनाए जाएंगे। समग्र शिक्षा के क्वार्टर का निर्माण करेगी। स्कूल के आसपास ही आवासीय सुविधा मिलने से न सिर्फ शिक्षकों की परेशानी दूर होगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए भक्तों के लिए RFID कार्ड जरूरी। यात्रा खत्म करने पर वापस नहीं किया तो होगा जुर्माना। वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सुविधा लागू है। श्राइन बोर्ड ने यात्रा खत्म करने के बाद इस कार्ड को वापस नहीं करने वालों पर जुर्माना वसूलने की चेतावनी जारी की है। आतंक पर नकेल, बारामूला में आतंकी मददगार गिरफ्तार, हथियार और IED बरामद। बता दें कि बारामूला पुलिस और सेना की 32 RR की संयुक्त टीम ने एक विशेष इनपुट पर लश्कर ए तैयबा के आतंकी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सफलता से बड़े आतंकवादी हमले को टाल दिया गया है। नए साल पर प्राइमरी स्तर के सरकारी शिक्षकों को सरकार का तोहफा, मिलेंगे टैबलेट। शिक्षकों को आधुनिक मॉडल के टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी मदद से वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं पर काम तेज। महाराष्ट्र में 58% भूमि अधिग्रहित।